वेलकम एवरीवन अब अपन चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट देर आर हाउ हाउम स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड आइंस्टीन कंडेंसेट हमें पता है पांच स्टेट्स अभी साइंस को कंफर्म है कि पांच स्टेट्स होते हैं बट हमारे कोर्स में सिर्फ तीन ही स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो अगर तुमसे कोई पूछे एग्जाम्स वगैरह पूछेगा तो नहीं ये बट अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम्हें कितना बोलना है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो अपन पढ़ने वाले हूँ उन तीन में से एक अपना सॉलिड स्टेट ठीक है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इसमें थ्री में बहुत कुछ देखना होगा ठीक like तो है थ्री इमेजिनेशन चाहिए होगी क्वेश्चन विल ऑल्सो भी लाइक पजल्स इन थ्री डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ठीक है बहुत मजा आएगा और काफ़ी विजुलाइजेशन चाहिए पड़ेगा क्वेश्चन विल भी वेरी ईजी एज ऑलवेज बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है ठीक है सो विल स्टार्ट विथ आर फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर अपन तीनों पढ़ेंगे बाद में गैसेस भी आएगा लिक्विड भी आएगा बट पहले अपन पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट सो अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर दे आर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से सॉलिड लिक्विड एंड गैस ना विच इज डिटरमाइंड बाय टू अपोजिंग फैक्टर्स दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग ना कोई भी मैटर इन तीन स्टेट में से कौन से में होगा वो डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे और वो टू फैक्टर्स हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वर्सेज थर्मल एनर्जी दैट इज कैनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज मतलब क्या होता है जो भी दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा है ना सो so, जो दो मोलिकुलर एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो अट्रैक्टिव होंगे दूसरा है थर्मल एनर्जी और दूसरा थर्मल एनर्जी का मतलब है अगर तुमने थर्मोडानेमिक्स पढ़ा है तो तुम्हें पता है किसी भी मैटर की थर्मल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से है ना मतलब जो टेम्परेचर वाला पार्ट होगा ठीक है वो किसकी वजह से होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है रोटेशन हो सकता है वाइब्रेशन हो सकता है इन सब फॉर्म में सो तो दो तरीके के फैक्टर्स हैं एक है अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में है, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल अब सोचो अगर ऐसा मैटर है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक है और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है तो क्या होगा दे विल नॉट स्टे टुगेदर क्योंकि अट्रैक्शन वैसे ही कम है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एटम्स इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे और जब इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे तो क्या स्टेट बनेगा गैसे स्टेट समझ में आ रहा है सो so, तो ये दो फैक्टर डिटरमाइन करेगा तो पहला फैक्टर अपना कौन सा हो गया गैसे स्टेट कैसे पता पड़ेगा अगर इंटर फोर्सेस कम है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो अपन को क्या मिलेगा गैस स्टेट समझ में आ रहा है कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा अब अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ठाक है काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा नहीं है दोनों कंपेरेबल हैं ना कंपेरेबल का मतलब यहाँ अपन वैल्यू कंपेयर नहीं करते अपन ये नहीं बोलते हैं भाई कि एक फोर्स है इंटरमोलिकुलर और एक दूसरा एनर्जी है न्यूटन टेन न्यूटन ऐसा नहीं बोल टेन न्यूटन इज ग्रेटर देन टू जूल्स ऐसा नहीं बोल सकते अपन यहाँ बात कर रहे हैं क्वालिटेटिवली मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी और फो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कोई एक बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं है ऐसे केस में क्या होगा मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव भी नहीं कर पाएंगे एक साथ भी नहीं रह पाएंगे दोनों के बीच का होगा तो फ्लो कर सकते हैं क्या स्टेट बन जाएगा लिक्विड स्टेट तो लिक्विड स्टेट कब बनेगा जब इंटर मोलिकुलर फोर्सेज एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कंपेरेबल अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कब बनेगा जब इंटर मोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग हो सब ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है काइनेटिक एनर्जी कम है तो ऐसे में क्या होगा सारे एटम एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे सब एक साथ रहेंगे और अगर सब एक साथ रहेंगे तो क्या बनेगा सॉलिड तो स्टेट इज दिस क्लियर तो सॉलिड स्टेट कब बनेगा समझ में आ रहा है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा गैसेज कब बनेगा जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम कंपेरेबल टू अपन काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं और लिक्विड कब बनेगा जब दोनों कंपेरेबल हो तो अपन बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट कब बनता है भाई जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा होते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होती है ये ही डिटरमाइन करेंगे प्रॉपर्टी भाई अब सब अगर एक साथ हैं तो अपन बोल सकते हैं आर इम मोबाइल अगर सब ने अगर अपन सॉलिड की बात कर रहे हैं बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे गैस और लिक्विड सो अगर सॉलिड की बात करते हैं सब सारे आइटम मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है समझ में आया तो सब एक साथ रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इम मोबाइल मूव नहीं कर सकते सिंपल है नेक्स्ट फिक्स शेप और वॉल्यूम अगर सब एक साथ पकड़े हुए हुए हैं तो क्या होगा फिक्स शेप होगा फिक्स वॉल्यूम होगा इनकम्प्रेसिबल अब इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है देखो नाम में लिखा है जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते जैसे पहले कंप्रेस का देख लेते हैं कंप्रेसिबल क्या होती हैं gases मतलब गैस gas अगर अपन एक पिस्टन में ले ईजली कंप्रेस कर सकते हैं इट इज कंप्रेसिबल बट लिक्विड एंड सॉलिड्स आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल बिकॉज उनको अपन अगर मैं सॉलिड लूँ और वॉल्यूम कम नहीं कर सकता इन जनरल बट एक्चुअली अपन उनकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं ठीक है वी हैव टेक्निक्स एंड स्ट्रॉन्ग इन प्रेशर कि अपन कर सकते हैं बट इन जनरल अपन को बोलते हैं क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल इन जनरल कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. समझ में इनकम्प्रेसिबल ही बोलना रहे मतलब ईजिली साफ साफ दिखता है गैसेस आर कंप्रेसिबल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल बट टेक्निकली मैंने बता दिया एनी वेज सो इनकम्प्रेसिबल मतलब समझ में आ रहा है जिसको अपन और वॉल्यूम कम नहीं कर सकते हैं. है कि नहीं और अगर सोचो ना अगर कंप्रेस कर पा रहे हो तो शेप और वॉल्यूम फिक्स कैसे होता वो भी चेंज हो रहा होता कटिंग माई पॉइंट सो दीज आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल ठीक है और मोलिकल्स आर मोबाइल इम मोबाइल से हाँ इसमें इम मोबाइल हैं बट दे कैन स्टिल वाइब्रेट ये ध्यान रखना ठीक है मैंने बताया इम मोबाइल हैं बट इन मोबाइल इन ट्रांसलेशनल मोशन दे कैन हैव अदर मोशन वाइब्रेशन एंड ऑल इज़ दिस क्लियर ठीक है motion, तो वो ध्यान रखना बस एनी वे नेक्स्ट इज मॉलिकल्स आर क्लोजर येस इन सॉलिड लिक्विड गैस में अगर बात करें तो इन जनरल सबसे पास में मॉलिक्यूल्स किस में होंगे सॉलिड में क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है मोलिकूल पास में रहेंगे समझ में आ रहा है सो दीज आर दी पॉइंट्स नो दीज आर दी प्रॉपर्टीज फॉर सॉलिड्स ठीक है सो इसमें अपन ने क्या पढ़ लिया देखो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल जिसने फटाफट फ़ड़ बताया ये सब नाइन टेंथ में पढ़ लेते हैं ठीक है कि तीन स्टेट होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस बस ये चीज़ शायद नहीं होगी कि भाई कौन डिटरमाइन करता है कि सॉलिड बनेगा मैटर या लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा टू फोर टू फैक्टर्स कौन कौन से इंटरमल फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आया कम डिपेंड करेगा सॉलिड लिक्विड या गैस बनेगा सॉलिड की प्रॉपर्टी मैंने देख लिया क्योंकि अपन इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इज दिस क्लियर सो अब अपन देखते हैं सॉलिड्स के बारे में और क्योंकि सॉलिड को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वो कौन से दो पार्ट हैं वो अपन देखते हैं सो सॉलिड को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एमोरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक तो एमोरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड किस बेसिस पर डिफाइन करेंगे एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर तो एमोरफस सॉलिड में एटम्स रैंडमली अरेंज होने वाले हैं रैंडम ऑर्डर और क्रिस्टलाइन में एक ऑर्डर होगा अपन देखेंगे बताऊंगा मैं समझाऊंगा अच्छे से कि वो ऑर्डर और रैंडम का मतलब क्या है सो so, सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोरफस मैंने बताया ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं होगा आइटम्स के अरेंजमेंट का बट क्रिस लाइन में ऑर्डर होगा ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट एन ऑर्डर्ड स्टेट होगी ठीक है तो अपन बना के देखते हैं समझ में आएगा तो अपन देखते हैं जरा एमॉर्फस और क्रिस लाइन सॉलिड के बारे में अच्छा पहले एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं इसका नाम एमोरफस क्यों होता है इट स्टैंड फॉर नो फॉर्म ठीक है एमॉर्फस एक्चुअली स्टैंड फॉर नो फॉर्म कोई फॉर्म नहीं होगा मतलब यहाँ कहने का मतलब होता है कोई यू you नो know, अरेंजमेंट नहीं होगा कहीं ऑर्डर नहीं होगा वो है ठीक है एक फॉर्म नहीं है रैंडम कुछ भी हो सकता है एनी वेज सो हमें देखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोरफा सॉलिड क्या होता है ये ऑर्डर और रैंडमनेस का मतलब क्या है तो देखो क्रिस्टलाइन में अपन देखो मैं आइटम्स ऐसे अरेंज कर रहा हूँ बिल्कुल देखो एक ऑर्डर दिख रहा है एक ऑर्डर दिख रहा होगा तुम्हें तो मैं ना मैंने ऑर्डरली अरेंज करूंगा अगर मैं आइटम्स तो क्या मिलेगा अपन को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलेंगे समझ में आ रहा है अच्छा अब ये मैंने बनाया है टू डी में सॉलिड टू डी में होते हैं क्या थ्री डी में होंगे तो अपन को पूरा चैप्टर एक्चुअली हुई थ्री डी में पढ़ना रहे हैं अभी स्टार्ट हो रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड सिंपल बना रहे हैं कि अपन टू डी में इस तरीके से एक ऑर्डर में दिखाना चाह रहा हूँ ऑर्डर एक ऑर्डर है दैट्स इट अब मैं अमोनफिस बनाता हूँ देखना कोई ऑर्डर नहीं है रैंडम बट एज यू कैन सी मैंने एक ऑर्डर बनाया है यहाँ पर इसका मतलब क्या है सिग्निफिकेंस क्या बताता हूँ बट पहली बात अपन बोल सकते हैं दिस इज ऑर्डर्ड दिस इज डिसऑर्डर या रैंडम अरेंजमेंट तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड अब लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रैंडम एकदम सब कुछ रैंडम हो मतलब कुछ ऑर्डर हो सकता है एमोरफस के अंदर ही बट वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है थोड़ा ऑर्डर हो गया अब चलेगा वो उसको अपन कंप्यूटर ऑर्डर नहीं ओवरऑल मैक्सिमम क्या बोलेंगे डिसऑर्डर्ड या रैंडम ऑर्डर और ये देखो इसमें लॉन्ग अब इसमें भी देखो मैंने बनाया है प्रॉपर ऑर्डर बट इसमें भी डिसऑर्डर हो सकते हैं नेचर में परफेक्ट कुछ नहीं होता ठीक है सो इसके अंदर भी डिफेक्ट्स होंगे वो सब आगे आएगा ठीक है बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर बट अपन ये बोल सकते हैं इन जनरल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है ठीक है और एमॉर्फस के अंदर लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर या शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है समझ में आ रहा है तो जो चीज़ ज्यादा है अगर डिसऑर्डर ज्यादा है तो अपन बोलेंगे एमोरफस अगर ऑर्डर ज़्यादा है तो क्या बोलने वाले हैं उसको क्रिस्टलाइन समझ में आ रहा है बहुत पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है ऑर्डर अगर ऑर्डर क्योंकि हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इसके अंदर क्योंकि एमोरफस पढ़ना इतना आसान नहीं है वो हमारे कोर्स में ज्यादा नहीं है उसके बारे में बट है आप तुम आगे पूरा रिसर्च वगैरह कर सकते हो ठीक है बहुत कुछ है कैर एनी इस चैप्टर में मेनली अपन को फोकस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं समझ में आ रहा है जिसके अंदर ऑर्डर होता है इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है इन लॉन्ग रेंज बात कर रहे हैं अपन एग्जाम्पल्स क्रिस्टलाइन के तुमने देखे होंगे पता ही होगा क्रिस्टल्स जैसे क्वार्ट्स क्रिस्टल ठीक है डायमंड देखा होगा अगर होगा नहीं तो एटलीस्ट तो देखा तो होगा एक क्रिस्टल होता है इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है आइटम्स का बहुत अच्छा अरेंजमेंट सब पढ़ेंगे आगे आएगा बट यहाँ अपन को सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी अभी एनी सॉल्ट क्रिस्टल्स छोटे छोटे होते हैं इम्परफेक्शन होते हैं उसके अंदर बट वो भी एक क्रिस्टल है शुगर क्रिस्टल भी एक एग्ज़ाम्पल हो गया शुगर क्रिस्टल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है मैंने कुछ यहाँ लिख दिए एमॉर्फस ग्लास एमॉर्फस होता है ग्लास के अंदर देखोगे आइटम्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है बट लॉन्ग रेंज वो ऑर्डर नहीं होता है प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स में आइटम्स रेंडमली अरेंज होते हैं ठीक है रबर ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके एमॉर्फस के अभी शायद तुम्हें डाउट आ सकता है कि सर ये ग्लास प्लास्टिक क्यों वो अपने अल अलग कैसे किया वही अपन पढ़ने वाले भी एग्जाम्पल दिया है मैंने बस कि अपन दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया थोड़ा बहुत तुम्हें तो पता होगा कि ये सब देखो इनमें ऑर्डर होता है क्रिस्टल्स बनते हैं इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते मतलब इनको अपन जब बनाते हैं तो रिजल्ट भी एक शेप निकल के आता है क्योंकि ऑर्डर है ऑर्डर का अल्टीमेटली ओवरऑल रिजल्ट भी एक शेप होता है बहुत इंटरेस्टिंग है वही तो बोल रहा हूँ अपन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सॉलिड्स में आकर चलता क्या है अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर सब कुछ साइंस पूरी साइंस इंटरेस्टिंग है एनी समझ में आ रहा है तो सॉलिड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने कौन कौन सा एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्लाइन सॉलिड अब अपन आगे बढ़ते हैं अब ये देखते हैं जो मैंने अलग अलग किया है इसके अलग अलग करने से मतलब कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया ऑब्वियसली ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं और बहुत अलग अगर मैं सेम सपोज एलिमेंट लूँ एक का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाऊँ एक का एमॉर्फस प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर आएगा अब वो क्या अंतर है वो अपन देखते हैं इन जनरल क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस किस प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं तो अपन अब चालू करते हैं और देखते हैं डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड ठीक है अब अपन देखेंगे डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड इंटरेस्टिंग चीज है अगर सेम एलिमेंट के अपन दो तरीके से ऑर्डर में सॉलिड बना दें तो प्रॉपर्टी में क्या क्या अंतर आता है देखो अपन देखते हैं डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड्स और डिफरेंसेस आते किस वजह से मैंने बताया अरेंजमेंट की वजह से ड्यू टू टू टाइप ऑफ अरेजमेंट तो अपन दो कॉलम बना लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का कॉलम एमॉरफस सॉलिड का कॉलम यहां अपन क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी लिखेंगे यहां अपन एमॉर्फस की प्रॉपर्टी लिखेंगे ठीक so, है सो पहला अपन देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्लाइन सॉलिड इट एज शार्प मेल्टिंग पॉइंट और एमॉरफर्स में मेल्ट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर इसका क्या मतलब हुआ शार्क मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक फिक्स पॉइंट है जिस पर स्टेट में चेंज होता है लाइक like सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा ठीक है मतलब क्या हुआ देखो सपोज इसका कुछ टी मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन सॉलिड है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉलिड ही है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉलिड ही है सॉलिड ही है एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एक पर्टिकुलर मान लो वो पॉइंट है 150 फिफ्टी डिग्री से तो वन अपन 100 से चालू किया 100 पे सॉलिड 110 पे सॉलिड 145 पे सॉलिड 149 पे सॉलिड 149.9 पर सॉलिड 149 149 और 150 पे क्या कन्वर्ट हो गया वो लिक्विड के अंदर एक टेम्परेचर पर पर्टिकुलर वैल्यू पर और फिर लिक्विड 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 सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसके अंदर शार्प मेल्टिंग टेंपरेचर बड़ा हो गए तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा कहने मतलब क्या है देखो सॉलिड है सॉलिड होगा टेंपरेचर और बड़ा होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा फिर और सॉफ्ट हो जाएगा फिर एक पॉइंट पर तुम बोल सकते हो लिक्विड हो गया एग्जाम्पल बेस्ट प्लास्टिक सबने देखा होगा मैंने बताया था प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फर सॉलिड सो प्लास्टिक की अगर बात करें तो होता क्या गर्म करने पर इट बिकम सॉफ्ट

ठीक है सो अगर अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ते हैं तो जो एजेस बनते हैं तोड़ने के बाद बड़े स्मूथ बनते हैं और जो अगर अपन एमोरफस को तोड़ते हैं ग्लास को देख लो तोड़ के देखो एकदम इरेगुलर जैकेट एजेस बनेंगे अगर तुम तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ने के बाद टच करोगे ना तो काफ़ी स्मूथ होगा हाथ इतना आसानी से नहीं कटेगा कट मतलब जोर से करोगे तो कट जाएगा बट अगर तुम तो के हो तोड़ोगे और उस पर ऐसे फिंगर से टच करोगे ना तो हाथ कट जाएगा बिकॉज ऑफ जैगेड एजेस मत देखते हैं वो क्यों बनते हैं बट पहले ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ शार्प क्लेवेज एंड इरेगुलर क्लेवेज शार्प मतलब बड़ा स्मूथ एज बनेगा और इरेगुलर मतलब जैगेड एजेस बनेंगे कैसे देखो ये अपना सपोज क्रिस्टल देखो देखो ना अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन है सब्सटेंस इसको मैंने यहाँ से तोड़ा तो पूरा ये लेयर अलग हो गई नीचे वाली लेयर अलग हो गई एज यू कैन सी बड़े स्मूथ एजेस बनेंगे ये बड़ा एक स्मूथ एज ये स्मूथ एज लेकिन अगर मैं अमोरफा लेता हूँ ये सपोज मैंने इसको मैं तोड़ा बीच में से तो दिख रहा है इसमें वैसे कोई ऑर्डर नहीं है ये आइटम यहाँ आ गया वो आइटम उसके पास चला गया ये आइटम उसके पास चला गया इज दिस क्लियर सो so, इस तरीके से दो डिवीजन हुए लेकिन एज यू कैन सी देखो जैकेट एडजस्ट आएंगे इसके अंदर तो स्मूथ नहीं होगा समझ में आ रहा है सो दिस इज वॉट इट मीन्स बाई शार्प क्लीवेज एंड इरेगुलर क्लीवेज सो अपन इसको मतलब यू नो मतलब सिंपल जज कर सकते हैं अगर तुम्हें एक सब्सेंस तोड़ा क्रिस्लाइन तो तुम्हें दिख जाएगा वो एकदम स्मूथ होगा है इन जनरल ठीक है और अगर तुम एमोरफस को तोड़ोगे तो वो जनरली जैकेट होगा स्मूथ नहीं होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंस तो पहले अपन देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड कॉलम बना लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनीसोट्रॉपिक बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एनिसोट्रॉपिक नेचर एमॉर्फस सॉलिड्स हैव आइसोट्रॉपिक नेचर इसका मतलब क्या हुआ पहली बात तो आइसो मतलब इतने बार अच्छों होगा आइसो मतलब होता है सेम अब क्या सेम वो अपन देखते हैं एनीसो ट्रॉपिक नेचर मतलब होता है प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं बताता हूँ इसका मतलब इसका मतलब और ये वाला आईसो ट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन अब डायरेक्शन देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है थीके? बट कुछ ऐसी हैं जो अपन को यूज़ नहीं करनी अपने एलेवन ट्वेल्थ सिलेबस में तो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ ठीक है वो कंप्रेशन मान लो अपन को कंप्रेस करना है एग्जाम्पल किसी सॉलिड को मान लो कंप्रेस करना है और देखना है कि वो उस पर कितना सपोज रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तुम कंप्रेशन मान लो कि अपन को कंप्रेशन देखना है ठीक है किसी भी सॉलिड का उसको कंप्रेस करना मान लो सो so, अगर मैंने सॉलिड बनाया क्रिस्टलाइन और मान लो मैं इसको यहाँ से कंप्रेस करूँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ ठीक है बेटर एग्जाम्पल लेकिन दिक्कत आएगी समझने में अपन को सिर्फ यहाँ ये यह समझना है कि क्या होता है so, सो एनिसो ट्रॉपिक अगर अपन को समझना है ये क्रिस्टल है मैंने यहाँ साइड से कंप्रेस किया या सपोज मैंने यहाँ से कंप्रेस किया ये डायग्नली कंप्रेस किया और ये साइड से कंप्रेस किया अगर अपन यहाँ साइड से कंप्रेस करेंगे तो दिख रहा है एटम्स के बीच में देखो डिस्टेंस सपोज ये ए है तो ए होगा और अगर यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो कितना आएगा रूट टू है ए रूट टू है और अलग इंट्रैक्शन ही आएगा फील आ रहा होगा ऐसे में करेंगे तो एटम अलग तरीके से इंट्रैक्ट करेंगे ऐसे करोगे तो एटम अलग तरीके से इंट्रैक्ट करेंगे समझ में आ रहा है नॉट दिस डिफरेंट इंट्रैक्शन बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन डिफरेंस इन प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन तो मैं ऐसे लगाऊँ या ऐसे लगाऊँ या कंप्रेशन लगा। तो फील आता समझ में इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया बट और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं ऐसे करूँ ऐसे निकाल इस डायरेक्शन में निकालू क्रिस्टल के या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आती है इसलिए इसको बोलते हैं एनी प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए रेगुलर फैक्शन तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो हर डायरेक्शन में अलग अलग हो जाएगा फिर और अगर इरेगुलर है रैंडम है तो ऑन एंड एवरेज हर डायरेक्शन में क्या आएगा सेम आएगा समझ में आ रहा है क्योंकि रैंडम है तो अगर मैं रैंडमली अरेंज कर दिया अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लगाऊं या इस डायरेक्शन में देखूं या इस डायरेक्शन में वो ऑन एंड एवरेज देखो कोई सब सिमिलर ही आने वाला है तो प्रॉपर्टी पर डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा हर डायरेक्शन में सेम होने वाली है डायरेक्ट प्लास्टिक में देखो ना तुम सोचो ना तुम कैसे भी करो फर्क ही नहीं पड़ेगा डायरेक्ट पर क्रिस्टल्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट सो आइसो ट्रॉपिक में प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती एनिसोट्रॉपिक में डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं तो अपन बोल बोल सकते हैं एमरफा सॉलिट्स हैव आइसोट्रॉपिक नेचर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव एनिसोट्रॉपिक नेचर और इसीलिए इसको आइसो नाम समझ में आ रहा है सेम सेम हर डायरेक्शन में इसलिए आइसो नाम लगाया आगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछते हैं बोर्ड्स वगैरह में पूछते हैं ठीक है स्कूल्स के एग्जाम में पूछेंगे एनिसोटॉपिक क्या होता है आइसो क्या होता है तो समझ में आना चाहिए एनीसो में प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं और आई में डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं हर डायरेक्शन में सेम होते हैं और तुम इतना समझ में आ गया दैट्स इट हो गया तुम्हारा काम तुम लिख सकते हो अपने मन से बना भी सकते हो डायग्राम समझाने के लिए अच्छे से ठीक है नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होता है एमोरफस का हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होता है अब तुमने थर्मोडाइनामिक्स पढ़ लिया होगा थर्मोडाइनामिक्स अगर पढ़ लिया है तो पता होगा हीट ऑफ फ्यूजन मतलब अपन एक मोलर बात करेंगे है ना जनरल तो एक मोल मैं क्रिस्टल लूँ और एक मोल सपोज मैं अमोरफस लूँ अब अगर मैंने एक मोल एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का लिया और मैंने क्रिस्टल की बात बोल दिया मुझे ये इस क्रिस्टल का चाहिए तो भाई हर बार ऑर्डर वही रखना पड़ेगा तभी तो वो क्रिस्टल बनेगा समझ में आ रहा है सो so, अगर मैंने फिक्स कर दिया है कि इस क्रिस्टल के लिए ये ऑर्डर होता है ये अरेंजमेंट होता है तो मैं वही करना पड़ेगा और अगर वही तुम करोगे और एक मोल सब्टेंस लोगे और जब उसको मेल्ट करोगे हीट ऑफ फ्यूजन देख रहे हैं अपन तो एटम्स का इंट्रैक्शन पहले सेम था समझ में आ रहा है मेल्ट किया और हर बार सेम ही होने वाला है क्योंकि अपन सेम अरेंजमेंट लेने वाले हैं तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या आएगा सेम आएगा अब अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस की एमॉर्फस में मैंने भी एक मोल लिया लेकिन उसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है ऑर्डर नहीं है तो मैंने जब एक बार एमोरफस बनाया कुछ और अरेंजमेंट आ गया अगली बार बनाया कुछ और अरेंजमेंट आ गया हर बार कुछ और अरेंजमेंट आ रहा है अब जब मैं एक मोल एमॉर्फस लूंगा उसको मेल्ट करूंगा तो इनिशियल जो इंट्रेक्शन है एटम के बीच में वो अलग अलग है क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है कोई फिक्स नहीं है तो हर बार हीट ऑफ फ्यूजन क्या आएगा अलग अलग आएगा क्योंकि एमोरफस में जो हर बार ऑर्डर बन रहा है वो अलग बन रहा है है वो रेंडम समझ में आ रहा है, है ये ऑर्डर भी रैंडम एमोरफस में दूसरा भी रैंडम ये भी रैंडम बट अलग रैंडम होगा ना पर जब ऑर्डर की बात करेंगे तो वो तो एक ऑर्डर अगर तुमने बोल दिया तो वही एक ऑर्डर है बस ये समझ में आना चाहिए सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ और कोई तरीका नहीं समझाने का इसको और अगर दिक्कत आ रहा है तो वापस देखो मैंने क्या बोला सो बिकॉज ऑफ ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हीट ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज सेम बिकॉज ऑफ रैंडम ऑर्डर हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफरेंट फॉर एमोरफस सॉलिड्स और इन सब वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं ट्रू सॉलिड और अमॉर्फस को बोलते हैं सूडो सॉलिड सूडो सॉलिड क्यों मतलब सॉलिड प्रॉपर्टी ऐसा डिफाइन करते हैं भाई एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ये सब जो अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज लेकिन ये सॉलिड्स होता है फिर सॉफ्टर हो जाता है फिर सॉफ्ट मतलब प्रॉपर्टीज आर नॉट एग्जैक्टली लाइक सॉलिड वॉट वी कंसिडर एट सॉलिड सिर्फ नाम में चिंता मत करो ठीक है क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमोरफस के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ये तो अपन ने पढ़ाया था तभी उसको क्रिस्टलाइन और एमार्फस बोलते हैं स्टार्टिंग so बताया था क्रिस्ट लाइन के अंदर ऑर्डर लॉन्ग लॉन्ग रेंज होना चाहिए मैक्सिमम यू नो स्पेस में क्रिस्टल के ऑर्डर होना चाहिए एमोर्फस में क्या होना चाहिए लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर या शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है दिस क्लियर तो ये अपन पहले पढ़ ही चुके हैं सो दीज आर द प्रॉपर्टी डिफरेंस जस्ट बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट बट ए डिफरेंट इन वेरी डिफरेंट वेज एक ऑर्डर है एक डिसऑर्डर है रैंडम अरेंजमेंट है तो एज यू मस्ट हैव नाउ रियलाइज इस चैप्टर अपन सब जगह ऑर्डर ऑर्डर की बात करने वाले हैं है चैप्टर आगे बढ़ेगा अपन टाइप ऑफ ऑर्डर देखने वाले हैं किस किस तरीके से ऑर्डरली अरेंजमेंट हो सकते हैं सो दिस वॉज द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स अब अपन आगे बढ़ते हैं अपन को इस चैप्टर में मोस्टली पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्योंकि एमॉर्फस की स्टडी अगेन इस लेवल के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसके लिए बहुत सारी केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए पहले तब जाके एमोर्फस को अच्छे समझ सकते हैं क्रिस्टलाइन रिलेटिवली आसान होता है इसलिए अपन के सिलेबस में तो अब अपन यहां से मोस्टली फोकस क्या करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बट बता दिया कि भाई सॉलिड्स दो तरीके होते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉरफर्स एमोरफस की पूरी दुनिया है भाई रबर प्लास्टिक ये सब कितने इंपॉर्टेंट तो क्रिस्टलाइन भी इंपॉर्टेंट है एमोरफस भी है बट एमॉर्फस ले, लेटर स्टेजेस में आएगा अगर तुम मटेरियल साइंस स्टडी करोगे तो ठीक है अब बी वगैरह करोगे मास्टर्स करोगे पी तो फिर वहाँ ज़्यादा आएगा तो अपन अब मोस्टली फोकस करेंगे क्रिस्टलाइन पर ठीक है सो अपन चालू करने वाले हैं क्लासीफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स